विधाननगर पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। तस्करी से पहले ही 14 पहिया लॉरी से 35 भैंसे बरामद। विधाननगर थाने की पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां तस्करी से पहले ही पुलिस ने 14 पहिया लॉरी से 35 मवेशियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया और इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम उत्तर दिनाजपुर निवासी अशफाक अली और कूचबिहार निवासी इदरीस आलमगीर है। बताया जाता है कि शुक्रवार को गुप्त सूत्रों से सूचना के आधार पर विधाननगर थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी उपजिला परिषद अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के पश्चिम मदादी टोल गेट से सटे इलाके में छापेमारी की। इसके बाद 14 पहिए वाली लॉरी को जब्त कर तलाशी ली गई तो उसमें से 35 भैंसे बरामद हुई। पुलिस ने जब चालक से वैध दस्तावेज मांगे तो लॉरी का चालक व सह चालक नहीं दिखा सके। इसके बाद पुलिस लॉरी चालक और सह चालक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। जानकारी के मुताबिक बरामद की गई भैंसों को तस्करी के लिए उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला से बांग्लादेश ले जाया जा रहा था। शुक्रवार को गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया।